इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबरिंग की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स ऑफ सबरिंग एंड सम इम्पोर्टेंट थ्योरम रिलेटेड टू सबरिंग। ठीक, तो देखो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सबरिंग क्या होता है कि एनी नॉन एम्प्टी सबसेट आर डैश ऑफ रिंग आर प्लस डॉट। अगर आर प्लस डॉट हमारे पास कोई रिंग है तो उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट जिसको हमने आर डैश से रिप्रेजेंट करा है, इस सेट टू बी या इज कॉल्ड सबरिंग ऑफ आर प्लस डॉट इफ एंड ओनली इफ आर डैश प्लस डॉट इज ए रिंग। ठीक, यानी अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी रिंग का, तो उस नॉन एम्प्टी सबसेट से जो बनने वाला स्ट्रक्चर है आर प्लस डॉट, ये सब रिंग हो जाएगा अगर ये अपने आप में खुद एक रिंग हो। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, ठीक, नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक, तो जैसे हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो हमारा रिंग फॉर्म करता है, जेड हो गया। सेट ऑफ रेशनल नंबर जो होता है ये भी रिंग फॉर्म करता है। सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है ये भी रिंग फॉर्म करता है। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ये भी हमारा रिंग फॉर्म करता है। तो ये चार स्ट्रक्चर ले लिए हमने, तो ये चारों के चारों क्या हैं, रिंग फॉर्म करते हैं। अब हम सब रिंग कैसे बोलेंगे, हमें ये पता है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक, ऐसा कह सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर, इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेट ऑफ इंटीजर रेशनल नंबर का सबसेट होता है, रियल नंबर का सबसेट भी होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सबसेट होता है। और इंटीजर जो है वो एक रिंग होता है अपने आप में, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो इंटीजर का सेट है वो रेशनल नंबर की भी सबरिंग होगी, रियल नंबर के लिए भी सबरिंग होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी सबरिंग होगा। तो ऐसा कह सकते हैं, ठीक, कि देयरफॉर ये जो जेड प्लस डॉट है इज ए सबरिंग, इज ए सबरिंग, इज ए सबरिंग ऑफ क्यू प्लस डॉट सेट ऑफ रेशनल नंबर कॉमा सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक, एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारा एक सबरिंग का एग्जांपल हो गया। इसी बेस पे हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, या रेशनल नंबर जो है हमारा वो रियल नंबर के लिए सबरिंग होगा, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सबरिंग होगा, या रेशनल नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी सबरिंग होगा। ठीक, तो ये एग्जांपल हम लिख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ से एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखो और एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट में। तो एग्जांपल नंबर टू इंटीजर के सेट से ही बना लेते हैं। ठीक, सेट ऑफ इंटीजर रिंग फॉर्म करता है ये हमको पता है। तो देखो, और एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक, अभी ये लिखते हैं कि सिंस जेड कॉमा प्लस कॉमा डॉट एंड, इस जेड में किसी भी नंबर नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें वो भी रिंग फॉर्म करेगा, तो उसको एम जेड बोल देते हैं, एम जेड कॉमा प्लस कॉमा डॉट आर रिंग, आर रिंग। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे पास, रिंग होते हैं, वेयर वेयर आर, ठीक, आर क्या है, ये जो सॉरी एम है ये नॉन जीरो है और ये जो m है वो क्या है हमारा, इंटीजर। ठीक, m जो है वो इंटीजर है, यानी किसी भी इंटीजर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इंटीजर को। तो अब देखो एक और चीज़ पता है कि सिंस mz, जो mz होता है वो सबसेट होता है z का। ठीक, जैसे 2z, z में क्या है, सारे के सारे इंटीजर हैं, मान लो m की जगह हमने 2 ले लिया, तो 2z में क्या आ जाएंगे, 2z वाले सेट में क्या आ जाएंगे, 2 के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल में क्या आ जाएगा, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये 2 के इंटीजर वाले सेट आ जाएंगे, 2 के मल्टीपल वाले इंटीजर्स। ठीक, तो 2z क्या होता है हमारा, z का सबसेट, ये z का सबसेट होगा, ऐसे ही आगे भी इसमें एलिमेंट आते रहेंगे डैश डैश डैश।
तो ये सबसेट होगा और ये रिंग भी फॉर्म करता है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि देयर फॉर ये जो एम जेड कॉमा प्लस कॉमा डॉट है इज ए सब रिंग ऑफ जेड कॉमा प्लस कॉमा डॉट। ठीक, एम जेड को हम क्या कह सकते हैं, सब रिंग कह सकते हैं। किसके लिए, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। ठीक, तो ये एग्जांपल हो गया। इसके बाद हम मैट्रिक्स में भी ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो देखो मैट्रिक्स में क्या लिख सकते हैं एग्जांपल के लिए, ठीक, कि हमने सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ले लिया, ठीक, एन क्रॉस एन ऑर्डर के, जिनकी एंट्री क्या है, रियल नंबर। ठीक, ऐसा हमने सेट ले लिया क्योंकि वो हमारा क्या है, रिंग फॉर्म करता है। तो हमने एक सेट ले लिया, मान लेते हैं उसको ए मान लेते हैं। उसमें क्या है, मैट्रिक्स हैं जिनकी एंट्री ए आई जे हैं और वो क्या है, एन क्रॉस एन ऑर्डर के, सच दैट ए आई जे बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमने ये एक सेट ले लिया ए, जिसमें सारे मैट्रिक्स हैं एन क्रॉस एन ऑर्डर के, जिनकी एंट्री क्या है, रियल नंबर। देन ये जो ए है हमारा, ये जो सेट होगा, ये मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग फॉर्म करता है। हमने पढ़ा हुआ है इज ए रिंग, ये रिंग फॉर्म करेगा। ठीक, एंड एक सेट बी ले लिया है, ठीक, एक सेट बी ले लिया है जिसमें एन क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, ठीक, जिसकी एंट्री बी आई जे ले ली है हमने एन क्रॉस एन ऑर्डर के, सच दैट ये जो बी आई जे हैं ये हमारे सेट ऑफ इंटीजर से रिलेटेड हैं। ठीक, तो ये भी हमारा रिंग फॉर्म करता है। देन बी कॉमा प्लस कॉमा डॉट, ठीक, ये जो बी सेट है मैट्रिक्स का सेट क्या, मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसमें क्या फॉर्म करी जाती है, रिंग। ठीक, इज ए रिंग। और हमें ये पता है पहले से ही कि रियल नंबर का जो सेट होता है वो सुपर सेट होता है किसका, इंटीजर का। ये इंटीजर का सेट रियल नंबर का सबसेट होता है। इस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि देयरफॉर ये जो बी कॉमा प्लस कॉमा डॉट है ये क्या हो जाएगा, इज ए सब रिंग ऑफ ए कॉमा प्लस कॉमा डॉट, इसके लिए सब रिंग हो जाएगा। तो हम मैट्रिक्स के केस में भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखोगे मैट्रिक्स का सेट है, मैट्रिक्स के सेट का कलेक्शन लिया है जिसकी एंट्री रियल नंबर है, तो ये हमारा रिंग फॉर्म करता है, पढ़ा है हमने। उसके बाद एक हमने सेट बी बनाया है जिसमें एन क्रॉस एन के ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनकी एंट्री क्या है, इंटीजर्स, ये भी रिंग फॉर्म करता है। और हमारा ये पता है कि इंटीजर का सेट जो है वो रियल नंबर का सबसेट होता है, इस वजह से ये जो बी डैश प्लस डॉट है हमारा सब रिंग हो जाएगा किसका, ए प्लस डॉट का। ठीक, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए, और भी एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं ऐसे बहुत सारे, ठीक, अलग अलग केस में। अब स्टार्ट करते हैं इस सब रिंग से रिलेटेड कुछ थ्योरम। ठीक, तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। देखो थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारा, ठीक, इम्पोर्टेंट थ्योरम है फॉर बीएससी एंड एमएससी एग्जाम पर्पज से। ठीक, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट आर डैश ऑफ ए रिंग आर टू बी ए सब रिंग ऑफ आर। ठीक, नेसेसरी सफिशियंट कंडीशन है किसी नॉन एम्प्टी सबसेट आर डैश को किसी रिंग आर का सब रिंग होने के लिए क्या कंडीशन हो। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर डैश तो दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर डैश। और सेकंड कंडीशन है कि अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर डैश दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर डैश। ठीक, तो ना ये हमें प्रूफ करना है नेसेसरी सफिशियंट कंडीशन। तो नेसेसरी सफिशियंट कंडीशन में दो तरीके से प्रूफ होगा, एक बार हम आर डैश को रिंग मानकर चलेंगे और इन दोनों कंडीशंस को प्रूफ करेंगे, और एक बार हम इन दोनों कंडीशंस को लेकर चलेंगे और आर डैश को क्या दिखाएंगे, रिंग दिखाएंगे। ठीक, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं।
प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आर डैश को रिंग मानेंगे और इन दोनों कंडीशंस को प्रूफ करेंगे। तो देखो प्रूफ में क्या लेकर चलेंगे कि लेट आर डैश बी ए सब रिंग ऑफ आर सो दैट आर डैश इट्सेल्फ इज ए रिंग। ठीक, अगर आर डैश आर के लिए सब रिंग है तो जो सब रिंग होता है खुद अपने आप में भी क्या होता है, रिंग होता है। ठीक, एक तो ये, एक देखो ये स्ट्रक्चर है, मान लो बार बार अगर कंफ्यूज होते हो तो कहीं पे अगर हमने ये लिखा है आर डैश कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए सब रिंग या रिंग, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। इस ये जो आर अगर रिंग है या आर डैश हमारा रिंग है, इसका मतलब एक तरीके से मैथमेटिकल ये ही है कि आर डैश प्लस डॉट लिखा जाए। ठीक, तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम आर डैश प्लस डॉट लिखें या खाली आर डैश इज ए रिंग या सब रिंग लिखें, ये दोनों के दोनों मतलब एक ही हैं। तो देखो हम क्या मानकर चलें कि ये मानकर चलें कि आर डैश हमारा सब रिंग है आर का, तो आर डैश जो है इट्सेल्फ भी क्या होगा, रिंग होगा। नाउ टू प्रूव कंडीशन वन, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर डैश, दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर डैश, एंड कंडीशन सेकेंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर डैश, देन ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर डैश। ठीक, तो देखो क्या करेंगे कि सिंस आर डैश इज ए रिंग, अगर यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट हुआ है कि आर डैश हमारा रिंग है, ठीक है, सब रिंग था तो अपने आप में रिंग हो गए, पहले ही लिख चुके हैं। तो सिंस आर डैश इज ए रिंग, दिस इंप्लाइज दैट आर डैश प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। अगर रिंग है तो वो एडिशन के रिस्पेक्ट में तो अबेलियन ग्रुप जरूर होगा रिंग की कंडीशन से। ठीक, तो देयर फोर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर डैश, दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा माइनस बी बिलोंग्स टू आर डैश। यहाँ पर क्या करा है कि अगर ए कॉमा बी आर डैश के अंदर है तो बी का नेगेटिव ले लिया है। बी का नेगेटिव क्यों ले सकते हैं, क्योंकि बी है तो उसका एडिटिव इन्वर्स भी जरूर एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि आर डैश प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाता है, तो हर किसी एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स। तो हमें कंडीशन वन प्रूफ करने के लिए बी का नेगेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से ए को ए ही रहने दिया और बी का एडिटिव इन्वर्स लिख लिया है। तो वही कंडीशन लिखी है कि देयर फोर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर डैश, दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा माइनस बी बिलोंग्स टू आर डैश। और रीजन लिखा है कि सिंस ईच एलिमेंट हैज एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स रखेगा। ठीक, देयर फोर ए कॉमा माइनस बी बिलोंग्स टू आर डैश है, तो देयर फोर ए प्लस माइनस बी बिलोंग्स टू आर डैश, हम इनको ऐड करेंगे तो भी ये किसके मेंबर आएंगे, आर डैश के। क्यों, क्योंकि आर डैश जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। रीजन लिखा है सिंस आर डैश इज क्लोज अंडर एडिशन, अगर इनको ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए प्लस माइनस बी का मतलब क्या आ जाएगा, ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर डैश, विच इज द फर्स्ट कंडीशन। तो पहली कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई। देखो अब आगे सेकंड कंडीशन देखते हैं। ठीक, तो देखो सेकंड कंडीशन प्रूफ करने के लिए हम फिर से क्या कह रहे हैं कि अगेन आर डैश इज ए रिंग, हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो आर डैश है वो क्या है, हमारा एक रिंग है। तो दिस इंप्लाइज दैट आर डैश विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन फॉर्म सेमी ग्रुप, और सेमी ग्रुप में दो कंडीशन होती हैं, पहली क्लोजर प्रॉपर्टी और सेकेंड हमारी जो है वो एसोसिएटिविटी। ठीक, दो ही कंडीशन होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी और एक एसोसिएटिविटी। तो वही बोला है कि अगेन आर डैश इज ए रिंग, दिस इंप्लाइज दैट आर डैश विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन फॉर्म ए सेमी ग्रुप, दिस इंप्लाइज दैट आर डैश इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक, हमें सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, तो अगर ये सेमी ग्रुप बनाएगा तो पक्का अंडर मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को रखेगा। दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर डैश, अगर ए कॉमा बी आर डैश के मेंबर हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन, दिस इंप्लाइज दैट ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर डैश बाई क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर डैश के लिए। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन आ गई। तो एक तरफ से प्रूफ हो गया कि आर डैश को हम रिंग मान कर चले थे, ठीक, और हमने ये दोनों कंडीशन प्रूफ कर दी। अब क्या करेंगे कि हम ये दोनों कंडीशंस लेकर चलेंगे और आर डैश को रिंग प्रूफ करेंगे। और रिंग प्रूफ करने के लिए, क्योंकि आर डैश हमारा एक सब रिंग है, ठीक, तो सब रिंग है, तो सब रिंग प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, उसको रिंग प्रूफ करना है, क्योंकि सब रिंग अपने आप में क्या होता है, रिंग। तो सिर्फ हमें क्या प्रूफ करना है कि आर डैश रिंग की सारी प्रॉपर्टी रख रहा है। तो रिंग की प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ
ठीक, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब जो हमारा लास्ट वाला है कि कम्यूट करते हैं एलिमेंट या नहीं करते हैं। कुल मिला के हमें सिर्फ इतना शो करना है कि ये जो आर डैश है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हैं, ठीक, ये वो हमारे हमेशा ही होल्ड करते हैं। ठीक, और मल्टीप्लीकेशन में जो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी है, ये भी होल्ड करेगी। तो सिर्फ हमें ये ही दिखाना होगा कि जो एडिशन के रिस्पेक्ट में है वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक, एडिशन के रिस्पेक्ट में आर डैश अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, इतना ही नीड है शो करने के लिए। बाकी ऐसे रख देंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक, और क्लोजर और एसोसिएटिविटी जो होती है हमारी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो होल्ड इन आर डैश। तो देखो स्टार्ट करते हैं कन्वर्स प्रूफ इसका। तो देखो कन्वर्स पार्ट में हम क्या प्रूफ करेंगे, नाउ कन्वर्सली टू प्रूव आर डैश इज ए सबरिंग ऑफ आर, इट इज इनफ टू शो दैट आर डैश इज ए रिंग बाई यूजिंग द कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इस बार हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन का यूज करके उल्टा प्रूफ करेंगे कि आर डैश हमारा सबरिंग होगा। और आर डैश को सबरिंग प्रूफ करने के लिए इतना ही इनफ है कि हम आर डैश को रिंग प्रूफ कर दें। ठीक, तो वही हम करने वाले हैं। अब देखो हम क्या कह सकते हैं, कंडीशन वन और सेकंड का यूज करके वी से क्या कह सकते हैं कि अगर ए एलिमेंट है, ठीक, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर डैश, ठीक, दोनों को इक्वल ले लिया है, अगर ये आर डैश के मेंबर हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट, कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है कि उनका नेगेटिव कर रहे हैं, ए माइनस ए करें। ठीक, तो ए माइनस ए भी कहाँ बिलोंग करेगा, आर डैश में। कंडीशन वन के हिसाब से ए माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी जीरो बिलोंग्स टू आर डैश, और जीरो बिलोंग्स टू आर डैश का मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया आर डैश के अंदर। तो कंडीशन वन का यूज करके हमने क्या प्रूव कर दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो एलिमेंट जो है वो आर डैश के अंदर बिलोंग करेगा। इसके बाद हम अगेन, अब जीरो इसके अंदर आ गया और ए एलिमेंट हमने आर डैश का ले लिया, जीरो बिलोंग्स टू आर डैश कॉमा ए बिलोंग्स टू आर डैश, दिस इम्प्लाइज दैट यूजिंग कंडीशन वन वी से दैट जीरो माइनस ए बिलोंग्स टू आर डैश, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस ए बिलोंग्स टू आर डैश। अगर ए को इसमें लेकर चले थे तो माइनस ए भी इसके अंदर है, इसका मतलब एडिटिव इनवर्स भी इसके अंदर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर डैश, दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस माइनस बी बिलोंग्स टू आर डैश। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो अगर ए भी आर डैश के अंदर है, इससे ऊपर वाली कंडीशन ने प्रूफ कर लिया कि एडिटिव इनवर्स भी होगा इसके अंदर, तो बी का एडिटिव इनवर्स ले लिया यानी माइनस बी, तो उन दोनों को फर्स्ट कंडीशन में रख दिया है, तो ए माइनस माइनस बी। ठीक, क्योंकि अगर ए बी आर डैश के अंदर हैं तो इनका एडिटिव इनवर्स भी होगा, तो ए का एडिटिव इनवर्स तो हमें ज़रूरत नहीं है, बी का एडिटिव इनवर्स ले लिया, तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर डैश, दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस माइनस बी बिलोंग्स टू आर डैश। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर डैश, ए बी को आर डैश में लेकर चले थे, ए प्लस बी भी हमने आर डैश में दिखा दिया, यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर दी। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। तो देखो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि सिंस ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर डैश, दिस इम्प्लाइज दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर आर डैश के अंदर बिलोंग करते हैं तो आर के अंदर करेंगे, क्यों, क्योंकि आर डैश आर का सबसेट है इसलिए। तो और आर जो है हमारा रिंग है पहले से ही, तो हमारे पास कंडीशन गिवन है कि आर जो है वो रिंग है, इस वजह से इस आर के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। क्यों, रीजन लिखा है कि सिंस आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। अब देखो ए कोमा बी आर डैश के भी मेंबर थे, ठीक, तो हमने प्रूफ कर दिया ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज ऑल्सो होल्ड इन आर डैश फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर डैश। ठीक, तो यानी कम्यूटेटिव लॉ भी हमने प्रूफ कर दिया। उसके बाद सिमिलरली वी कैन शो दैट एसोसिएटिव लॉ, ठीक, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर डैश। तो हमारे पास सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, हमने आइडेंटिटी दिखा दिया, एडिटिव इनवर्स दिखा दिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखा दी, एसोसिएटिविटी दिखा दी, ठीक, और उसके बाद हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स दिखा दिया। ठीक,
क्लोजर प्रॉपर्टी भी हमने पहले दिखा दी थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, पांचों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, तो आर डैश प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, ये अबेलियन ग्रुप हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि आर डैश डॉट सेमी ग्रुप होगा। सेमी ग्रुप की एक कंडीशन तो ऑलरेडी हमें गिवन है, ये कंडीशन गिवन है तो हमें प्रूफ करना है, तो ये गिवन हो गई कंडीशन। और जैसे हमने एसोसिएटिव लो प्रूफ कराया आर का यूज करके फॉर आर डैश के लिए, वैसे ही सिमिलरली एसोसिएटिव लो प्रूफ करेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए आर डैश में आर का यूज करके, ठीक। तो उसको ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमारा होल्ड होता है, तो अब डायरेक्ट लिख देंगे इतनी कंडीशन के बाद कि, ठीक। तो देखो नाउ सिमिलरली हम ऐसा कह सकते हैं कि एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी है ही हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, हमें सेमी ग्रुप दिखाना होता है, तो क्लोजर तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो नाउ एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन होल्ड इन आर डैश, ये दोनों के दोनों होल्ड होंगे आर डैश में, बिकॉज या सिंस दे इज होल्ड इन आर, क्योंकि आर के अंदर होल्ड होते हैं, इस वजह से आर डैश के अंदर होल्ड हो जाएंगे। सिर्फ ये लिखना है, इसका मतलब क्या हो गया, रिंग की सारी प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूफ हो गई, देयरफॉर आर डैश कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज ए रिंग, क्या हो जाएगा, ये एक रिंग हो जाएगा। और अगर आर डैश को हमने रिंग प्रूफ कर दिया तो हमारा ये रिजल्ट होगा कि आर डैश प्लस डॉट इज ए सब रिंग ऑफ आर, तो ये आर डैश क्या हो जाएगा, सब रिंग प्रूफ हो जाएगा। तो इस थ्योरम का ही प्रूफ है, एक बार हम आर डैश को पहले रिंग लेकर चले थे सब रिंग, और ये कंडीशंस प्रूफ कर दी करी थी, इस बार इन कंडीशंस को लेकर चलें और आर डैश को हमने सब रिंग प्रूफ करा है।